आज आप लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बात रख रहा हूं, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के संसार में कुछ भी सुलभ नहीं है। ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्र विरक्षति, आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणाम इच्छते। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर, और चर्य का अर्थ होता है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इसी के बल पर परशुराम जी ने अपने पिता की हत्या का बदला सहस्त्राबाहु से लिया था। जब माता रेणुका रोई तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत से चल करके आए और अपनी माता रेणुका को सांत्वना दी और कहा, माता शांत हो जाओ। कहा, बस माता ज्यादा बातन कर, अब बात लौट कर ही होगी, या पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या विप्रों की पृथ्वी होगी। या तो पृथ्वी पर क्षत्रिय ही रहेंगे या तो फिर ब्राह्मणों की पृथ्वी होगी। और परशुराम जी ने वो प्रण पूर्ण करके भी दिखाया, किया भी। ऐसे ही दूसरे हमारे श्री हनुमान जी ने अर्जुन के द्वारा बनाए गए बाणों के पुल को तोड़ करके ब्रह्मचर्य की शक्ति दिखाई। जब अर्जुन ने बाणों का पुल समुद्र पर बनाया तो हनुमान जी ने उसको तोड़ने के लिए कनक भूधराकार युक्त आ पहुंचे उसी समंदर पर, फिर बाण सेतु पर कूद पड़े, जय जय श्री राघवेंद्र कहकर। विशालकाय रूप हनुमान जी ने बनाया और उस पुल को ध्वस्त करने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बाणों के पुल पर रखा, वैसे ही एकदम रक्त का फव्वारा सागर में से उमड़ा निकला। हनुमान जी ने अपना पैर पीछे हटा लिया। कवि ने कल्पना की, कहा कि बोधार देख कर बजरंगी आशंकित हो कर कूद पड़े, और उस ओर सेतु के नीचे से बोलीलाधारी निकल पड़े। बाणों के सेतु पर कूदे, खून का फव्वारा निकला तो हनुमान जी ने अपना पैर पीछे हटा लिया और कहा कि जिसका ये रक्त निकला है, अपराध हुआ है मुझसे, वो मुझे दर्शन दे। तो भगवान ने आज भक्तों की रक्षा के लिए अपने असली रूप को दर्शाया है कि दो भक्तों की शर्त में भक्त बत्स को भीर, और कमठ रूप बन कर तले आ पहुंचे रघुवीर। कमठ रूप बनकर तले आ पहुंचे रघुवीर, कच्छप रूप में भगवान वहां पर आ गए। ब्रह्मचर्य के बल से भगवान को प्रकट कर दिया श्री हनुमान जी महाराज ने। ब्रह्मचर्य के बल से ही सुग्रीव ने राम जी को प्राप्त किया। जब श्री हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को जाकर के देखा, सुग्रीव ने भेजा कि जाओ, ऐसा तो नहीं कि पठय बाल होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। जब पहुंचे हैं तो पहचाना जब अपने राम जी को, तो प्रभु पहचानी पर उगही चरना। प्रभु पहचानी पर उगही
जब पहचान लिया राम जी को तो हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए। इस प्रकार से बाद में अपनी पीठ पर बिठाला हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को और लेकर के सुग्रीव के पास में चले। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुवौजन पीठ चढ़ाई। भगवान राम काम पर भी बैठे और कामारी पर भी बैठे। काम पर बैठे जब विवाह करने के लिए गए तो जिस घोड़े पर बैठ करके विवाह करने के लिए राम जी गए वो घोड़ा कामदेव ही बन करके आया था। उस पर विजय प्राप्त की, लगाम अपने हाथ में लेकर के विवाह करने के लिए गए। काम पर बैठे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जेहि तुरंग पर राम बिराजे, जेहि तुरंग पर राम बिराजे, जेहि तुरंग पर राम बिराजे, पति लोकी खगनायक बिराजे। काम बनावा, घोड़ा जो है काम बन करके आया, उसको अपने बस में करके विवाह किया है, यानी ब्रह्मचर्य की साधना भगवान राम जी ने की और आज कामारी पर भी बैठे हैं। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुवौजन पीठ चढ़ाई और सुग्रीव के पास में राम लक्ष्मण को श्री हनुमान जी महाराज लेकर के गए। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, जब सुग्रीव राम कहूं देखा, सुग्रीव अति प्रे जन्म धन्य करी लेखा। सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। भीष्म ने भी ब्रह्मचर्य के बल से श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, कृष्ण कहा संसार में काम महाबलवान, और कामदेव का जीतना ना इतना आसान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कामदेव का जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भीष्म ने महाकाल बाण निकाला है एक पांडव को मारने के लिए। अब कैसे जो है व्यवस्था बनेगी, क्योंकि भीष्म ने काम को विजय किया है। कि काम पर विजय पाना ही तो विश्व पर विजय पा जाना है, मन को अपने पक्ष में करना, मुझ पर अधिकार जमाना है। अर्जुन मुंह देखी बात नहीं, मैं ठीक प्रशंसा करता हूँ, सच है कि ब्रह्मचारी नर के और उससे मैं भी डरता हूँ। और वास्तव में भीष्म ने ब्रह्मचर्य के बल पर
भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा दी। ये बाल ब्रह्मचारी के बल की प्रतिज्ञा जो है सफल रही। अथा कहा गया है कि ब्रह्मचारी चाहे तो उदधी में लगा दे आकर, ब्रह्मचारी चाहे तो उदधी में लगा दे आग, ब्रह्मचारी चाहे तो सविता का प्रकाश ले, ब्रह्मचारी चाहे तो अकेले रण भूमि जाए, अवनी छत्र करे जो कुठार पास ले, ब्रह्मचारी चाहे तो साहस दस वीरन को रण में सुला दे अगर को भी सर जा मिले, ब्रह्मचारी चाहे तो पैर ये कहीं बढ़ाए, बावन स्वरूप धरि स्वर्ग तक ना मिले, बाल ब्रह्मचारी के बल का न पारावार, काल विकराल जिसे देख भय खाता है, अब घूमा करती है जय पीछे पर छाई बनी, जब जिस लोक में जहां से हो जाता है, हरिवंश क्षत्रिय हो इक्की सवार, हरिवंश क्षत्रिय हने इक्की सवार परशुराम, भक्त भी कृष्ण की प्रतिज्ञा तुड़वाता है, सारी शक्तियां भी कर जोड़े रहती है खड़ी, मानवीय दृष्टि का वो दूसरा बिठाता है, अतः स्पष्ट है कि जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना है, जिसने शुक्र की रक्षा की है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्र का भाव होता है, यदि शुक्र मजबूत है तो हमारी शक्ति हमारा साधन वो भी मजबूत होगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति हमारे अंदर स्थिर रहेगी और उससे जो है हर कार्य में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ये ब्रह्मचर्य की साधना है। मैंने कुछ शब्दों में आपको ये स्पष्ट कथा बताई है। एक बार प्रेम से बोलिए, ब्रह्मचर्य धारियों की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, परशुराम जी महाराज की जय हो।